हेलो एंड वेलकम बैक, लॉट ऑफ थैंक्स हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लव यू ऑल व्यूअर्स। हमने इससे पहले बताया था कि एचआईवी में ये रहता है कि अगर आपके किसी पार्टनर को एचआईवी नहीं है तो आपको भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर किसी ने मुझसे ये पूछा है कि अगर ये किसी के मल्टीपल पार्टनर हैं, बहुत सारे पार्टनर हैं और किसी को भी ये एचआईवी नहीं है, तो हमने बताया है कि एचआईवी आपको नहीं हो सकता और ये सेक्स करने से जनरेट भी नहीं होता है अपने आप। ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी को नहीं है तो आप अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो बार बार कांटेक्ट से ही ये जनरेट हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये हो कैसे जाता है, ये क्वेश्चन फिर भी अभी कंफ्यूजन में है बहुत सारे लोगों का। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर क्लियरली कि अगर किसी व्यक्ति के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, बहुत सारे लोगों से वो मिलता है, तो ऐसे में अगर उनमें से किसी एक को अगर एचआईवी है, वो किसी और से मिला होगा कभी कहीं, जिसको कभी एचआईवी रहा होगा तो उससे उसके अंदर आया होगा, तो उससे अगर आप मिलेंगे, यानी आपके मान लीजिए 10 पार्टनर है, 10 में से आपके 9 पार्टनर में से एचआईवी नहीं है, आप रेगुलर उनसे मिलते हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो 10वां पार्टनर है, जो किसी और से कभी मिला है और उससे वायरस उसके अंदर आया है, क्योंकि वायरस तभी आता है जब किसी के अंदर होता है, तो ये किसी से उसके अंदर आया, उसके अंदर भी किसी और से मिलने पर आया होगा, तो इस तरीके से ये एक से दूसरे में आता है। अब मान लीजिए 10 पार्टनर हैं तो 9 से नहीं हुआ, 10वें से जब आप कांटेक्ट करेंगे तो ये चांसेस रहेंगे आपके अंदर वायरस आने के। बचेंगे कैसे, सिर्फ कॉन्डम आप इस्तेमाल करेंगे, यू विल बी सेफ देयर। अब एक क्वेश्चन ये रहता है कि आखिर ये वायरस आया कहां से उस भी व्यक्ति में, तो कुछ लोगों में, यानी हमारी जो भी जनरेशन जनता है उसमें कुछ लोगों में ये वायरस है, उनसे ये एक से दूसरे में फैल रहा है, सब में नहीं है, कुछ लोगों में है। तो उसमें ध्यान देने की जरूरत यह है कि अगर हमारे मल्टीपल पार्टनर है तो वहां पर हमें प्रोटेक्शन का यूज करना है, वो हमें सेफ रखेगा और हमारे कॉन्टैक्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे। तो ये एक चीज को ध्यान रखिए, मल्टीपल पार्टनर अगर है, अगर किसी को एचआईवी नहीं है तो आपको कभी नहीं होगा। 2 पार्टनर हैं, दोनों में से किसी को नहीं है, वो कितना भी मिले उससे नहीं होगा, क्योंकि ये सेल्फ जनरेट नहीं होता है, ये किसी में है उससे ये आएगा। तो अगर ज्यादा लोग हैं, उनमें से कोई एक बीच का ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं है, या उसने अपनी बात शेयर नहीं की है, उसने आपको बताया नहीं कि उसके कोई पार्टनर है, तो आपके ग्रुप में भी वो वायरस आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसको समझना यहां पर ये जरूरी है कि अगर मल्टीपल पार्टनर है, उनमें से किसी को नहीं है तो ये नहीं होगा, अगर आप प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं तब भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर कहने की बात यह है कि अगर आपको पता ही नहीं है अपने पार्टनर्स के बारे में कि उनमें से कौन सा किसी और से भी मिल लेता है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, यानी कंडोम का इस्तेमाल करें, देन यू आर सेफ देयर। लेकिन फिर सेल्फ जनरेट ये नहीं होता है, आता तभी है जब किसी में होगा। तो आई थिंक अब ये जरूर बात क्लियर हो गई होगी, अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा। वेल, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, उसमें जो एचआईवी एड्स के वीडियो हैं उसको जरूर देखें, आपके जो सवाल होंगे हो सकता है वो वहां पर अवेलेबल हो, हमने हर टॉपिक पर वहां पर वीडियो बनाए हैं, आपको वहां पर अपनी चॉइस का वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू।